नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल मनी टिप्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ये केक देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है उतना ही खाने में भी टेस्टी है, क्योंकि ये मैंने पार्ले जी बिस्कुट से बनाया है। और पार्ले जी बिस्कुट बहुत ही हेल्दी होता है क्योंकि ये गेहूं से बना होता है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि ये केक मैंने आज कैसे बनाया है। तो इसके लिए मैंने पार्ले जी बिस्कुट लिया है। मैंने 10-10 रुपए वाले दो पार्ले जी बिस्कुट लिए हैं। तो सबसे पहले मैं पार्ले जी बिस्कुट को तोड़ करके एक बाउल में रख ले रही हूँ। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में आपको रख लेना है सबसे पहले। उसके बाद मैंने इसको मिक्सी में डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्सी में ग्राइंड करूँगी। अगर आप चाहें तो इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पार्ले जी बिस्कुट ऑलरेडी मीठा होता है इसलिए मैंने चीनी ऐड नहीं किया है। तो ये अब बिस्कुट को मैंने पीस लिया है और बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया है। अगर आप चाहें तो इसमें पिसी हुई चीनी डाल सकते हैं 4 चम्मच। तो आपको बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है, इसमें कोई भी गुठली या गांठें नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ। मैंने 2 कप दूध लिया है और इसमें आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। तो ये देखिए, मेरा अब बैटर जो है ऑलमोस्ट तैयार है। बैटर आपको इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे रखनी है कि ये ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा या थिक भी नहीं होना चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी एक रिबन की तरह होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ। इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, कोई भी गुठली या गांठ है नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल रिबन की तरह ये गिरना चाहिए। अब मैं इसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल मिला रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह घी या बटर भी यूज कर सकती हैं। रिफाइंड ऑयल मिलाने से केक जो है स्पंजी बनता है। अब आज मैं केक को एक बड़े पतीले में बनाने वाली हूँ। तो मैं पतीले को पहले प्री हीट करने के लिए मैंने गैस पर रख दिया है। इसमें मैं 1 कप नमक डाल रही हूँ और मैंने ये स्टैंड को रख दिया है इसमें, और 5 मिनट तक मैं मीडियम फ्लेम पर इसको प्री हीट करूंगी। और बैटर को भी मैंने 5 मिनट के लिए ढक के रख दिया है। तो ये पतीला मेरा प्री हीट हो रहा है। अब जिस बर्तन में मुझे केक बनाना है मैं उसको रेडी करूंगी। तो सबसे पहले मैं इसको ऑयल से ग्रीस कर ले रही हूँ। आपको चारों कोनों में अच्छे से बर्तन को ग्रीस करना है तेल से, जिससे कि केक बर्तन में चिपके ना। मैंने ये रिफाइंड ऑयल यूज किया है। उसके बाद मैं इसमें मैदा डाल रही हूँ। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर लगा सकते हैं, और एक्स्ट्रा मैदा को आपको बर्तन से झाड़कर अलग कर देना है। ज़्यादा मैदा बर्तन में नहीं रखना है। ये देखिए, मैंने एक्स्ट्रा मैदा झाड़कर अलग कर दिया है। तो मेरा बर्तन अब रेडी है केक बनाने के लिए। अब मैं बैटर में 1 पैकेट इनो डालूंगी। इनो आपको आखिरी में डालना है, पहले नहीं डालना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड करूंगी, जिससे कि इनो अच्छे से बैटर में मिक्स हो जाए। और इसको एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है थोड़ी देर तक, ज़्यादा आपको मिक्स नहीं करना है। अब मैं बैटर को केक बनाने वाले बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो मैंने केक वाले बर्तन में बैटर को ट्रांसफ़र कर लिया है, और मैं इसको टैप कर रही हूँ कि कोई हवा हो तो इसमें से अच्छे से निकल जाए। अब मैं केक वाले बर्तन को बड़े पतीले में रख दे रही हूँ। मैं केक को 50 मिनट तक लो फ्लेम पर
बेक करूंगी जिससे कि ये अच्छे से पक जाए। अब मैं पतीले को ढक दूंगी। तो आपको 50 मिनट तक लो फ्लेम पर केक को पकाना है। अब मैं केक के लिए क्रीम रेडी करने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 4 चम्मच कोकोआ पाउडर लिया है और इसमें मैंने 1 कप पानी डाला है। और मैंने 5 चम्मच चीनी डाला है, क्योंकि मैंने केक में चीनी नहीं डाला था इसलिए मैं क्रीम को थोड़ा सा मीठा कर दे रही हूँ। और आपको अच्छे से मिक्स करना है इसे। फिर आपको इसे गैस पर 5 मिनट तक पकाना है लो फ्लेम पर। तो ये देखिए, अब मेरी क्रीम जो है बिल्कुल रेडी हो गई है। इसकी कंसिस्टेंसी आपको बिल्कुल स्मूथ रखनी है। देखिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा कर दूंगी जिससे कि ये थिक हो जाए। और अब 50 मिनट हो गए हैं। अब मैं केक को चेक करूंगी चारों तरफ से कि ये पका है कि नहीं। तो ये देखिए, बिल्कुल फाइन स्टिक निकल रही है, इसका मतलब केक अच्छे से बेक हो चुका है। देखिए, बिल्कुल क्लीन स्टिक बाहर निकली है। तो अब मैंने केक को थोड़ी देर तक ठंडा कर लिया है। अब मैं इसको डीमोल्ड करने के लिए चाकू से चारों तरफ से इसे निकाल रही हूँ कि ये अच्छे से डीमोल्ड हो सके। आपको ये केक को ठंडा करने के बाद ही करना है, नहीं तो गरम गरम केक जो है अच्छे से नहीं निकल पाता है। अब मैं इसको डीमोल्ड कर रही हूँ। तो थोड़ा सा मैंने इसको टैप कर लिया है। तो ये देखिए, मेरा केक जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। कितना जालीदार बना है, इसका मतलब कि ये बहुत ही स्पंजी बना है, आप देख सकते हैं। तो अब मेरी क्रीम भी ऑलमोस्ट ठंडी हो ही चुकी होगी। अब मैं इसको डेकोरेट करूंगी। क्रीम अब गाढ़ी हो चुकी है, थिक हो चुकी है। आपको ये ध्यान रखना है कि केक भी ठंडा हो जाना चाहिए और क्रीम भी ठंडी हो जानी चाहिए, तभी आपको क्रीम को केक पर लगाना है। गरम गरम क्रीम को केक पर नहीं लगाना है, या केक भी गरम नहीं होना चाहिए। तो अब मैं पूरे केक पर अच्छे से क्रीम लगा रही हूँ। ये देखिए, मैंने क्रीम को पूरे केक पर अच्छे से लगा दिया है, चारों तरफ कोनों कोनों पर। अब मैं इस पे स्ट्रॉबेरी जेली लगा रही हूँ। ये स्ट्रॉबेरी जेली वाली टॉफी है, ये हर जनरल स्टोर पे आपको मिल जाएगी और मैंने ये जेम्स लिया हुआ है। तो मैं जेम्स और स्ट्रॉबेरी जेली से केक को डेकोरेट करूंगी। और डेकोरेट करने के बाद आपको इसे फ्रिज में थोड़ी देर तक रखना है, 10 मिनट तक, कि जिससे केक जो है अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए, मैंने इस पर चॉकलेट भी लगा दी है और केक जो है मेरा ऑलमोस्ट डेकोरेट हो गया है। अब मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी 15 मिनट के लिए। तो मैंने ये केक को फ्रिज से बाहर निकाल दिया है
और अब देखिए मेरा केक जो है बिल्कुल सेट हो चुका है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो इस केक को आप घर पर जरूर ट्राई करिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर हिट करिएगा जिससे कि मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए और आप मेरी सारी वीडियो से अपडेट रहें। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।